किसान साथियों साथियों आज अपन बात करेंगे कुसुम, इसे अमेरिकन केसर के नाम से जानते हैं, ईरानी केसर के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसे सेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किसान साथियों, सेफ्रॉन कुसुम की खेती रबी मौसम में अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। किसान साथियों, ये फसल लगभग 160 से 170 दिन के आसपास की होती है। इसका फूल और इसके बीजों का उपयोग बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों बनाने में किया जाता है और औषधीय दवाइयों को बनाने के साथ साथ इसका उपयोग तेल के लिए भी किया जाता है। किसान साथियों, बात करें अफ्रीकन इसे अमेरिकन केसर की खेती के बारे में, इसे कुसुम भी कहते हैं, सेफ्रॉन भी कहते हैं। तो साथियों, इसके लिए मिट्टी की बात करें तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी, इसमें जीवांश की अच्छी मात्रा हो, अच्छी मानी गई है। बात करें बीज दर की तो साथियों, इसके लिए एक हेक्टेयर में 18 से 20 किलो बीज आप काम में ले सकते हैं। बात करें बुआई के समय की तो आप इसका 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य इसकी बुआई कर सकते हैं और इसको लाइनों में बुआई करें। लाइनों में बुआई करने के लिए साथियों, लाइन से लाइन दूरी आप 45 सेंटीमीटर के और पौधे से पौधे की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रखें। साथियों, अगर आप ये बराबर दूरी रखेंगे तो पौधे में फुटान काफ़ी अच्छी होगी, जैसे कि आप देखते हो इस खेत में काफ़ी अच्छी दूरी है, जिसके कारण एक पौधे में काफ़ी अच्छी फुटान है, काफ़ी अच्छी फूल आ रहे हैं, देख सकते हो आप। तो साथियों, इसकी अगर हम वेराइटियों की बात करें तो दो मुख्य वेराइटी आती हैं, K65 आती हैं और एक मालवीय किस्म 305 आती हैं। K65 की बात करें तो यह वेराइटी लगभग 160 से 180 दिन में पकती हैं और इसमें तेल की मात्रा 35 से 36% के आसपास होती हैं। और पैदावार की बात करें तो कुसुम की K65 वेराइटी लगभग 14 से 15 क्विंटल के आसपास पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। साथियों, वहीं बात करें मालवीय कुसुम 305 की तो यह वेराइटी 160 दिन में पकती हैं और इसमें तेल की मात्रा 36% के आसपास पाई जाती हैं। पैदावार की बात करें तो यह वेराइटी भी लगभग 14-15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। किसान साथियों, इन दोनों वेराइटियों में से आप किसी भी एक वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बात करें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की तो साथियों, जब भी आप कुसुम, अमेरिकन केसर या ईरानी केसर की बुआई करें तो आप लगभग 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। साथ ही लगभग 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20-25 किलोग्राम पोटाश का उपयोग जरूर करें। बात करें साथियों, इसकी कटाई की तो साथियों, जैसे जैसे फूल इसकी परिपक्वता आ जाती हैं तो फूलों को तोड़ लिया जाता है, उसके बाद पौधों को कटाई करके इसे बीज निकाल लिए जाते हैं। साथियों, इसकी मंडी भाव की बात करें तो लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल इसके बीज का भाव रहता है। वहीं इसके फूल का क्वालिटी के हिसाब से नीमच में इसकी मंडी लगती है, वहाँ पर इसके अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से इसका मंडी भाव मिल जाता है। इस प्रकार साथियों, आप अमेरिकन कुसर या ईरानी केसर या कुसुम की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथियों, जहाँ तक ये बात करें केसर की तो इसकी ओरिजिनल केसर खेती जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया में की जाती है। ये अमेरिकन केसर इसको अपने लोकल एरिया में कहते हैं, बाकी इसका ओरिजिनल नाम कुसुम है, जिसे ईरानी केसर भी कहते हैं और कुसर अंग्रेजी में इसको सेफ्रॉन कहते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।